बच्चन पांडे फिल्म की बड़ी मुश्किलें। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर में कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, हालांकि फिल्म को लेकर अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। खबरों की माने तो फिल्म की यूनिट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कोरोना 19 के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एक मोहल्ले के नागरिक ने वहाँ के लॉयर के साथ मिलकर मजिस्ट्रेट के सामने केस दर्ज कराया है। आदित्य का कहना है कि 200 से ज्यादा लोग गाँव के सेट पर मौजूद हैं, जबकि मात्र 100 लोगों की अनुमति थी। ये भी दावा किया गया है कि जैसलमेर को उत्तर प्रदेश का एक जिला दिखाया गया है, जिसके चलते ये जैसलमेर टूरिज्म को नुकसान कर सकता है। ये शिकायत अक्षय कुमार, कृति सनन, जैकलीन फर्नांडिस, अर्शद वारसी और साजिद नाडियाडवाला के खिलाफ की गई है। आपको बता दें, अक्षय कुमार जानी मानी फिल्म एक्टर हैं और उन्होंने काफी सारी फिल्मों में जबरदस्त काम किया हुआ है। उनकी जल्दी ही फिल्म एक राम सेतु भी आने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार श्री रामचंद्र के बताए गए मूल्यों पर चलने की बात करते हुए नजर आएंगे। अक्षय कुमार एक सोशल वर्कर भी हैं और वो कई बार सोशल मुद्दों पर अपनी खुलकर बात भी रखते हैं और अक्सर लोगों की हेल्प भी करते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में एक्टर अभिमन्यु सिंह विलेन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने 30 जनवरी को इस बारे में ट्वीट करते हुए बताया था। आपको बता दें, अभिमन्यु इससे पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वो तमिल और तेलुगु मूवीज में भी नजर आ चुके हैं।